एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए हैं। यही जमीन को लेकर, जो जमीन को लेकर 2002 से 2023 तक बीच में विवाद चल रहा है, अभी तक न्याय नहीं मिला है। वो बोल रहा है जो हम जहाँ से कब्जा कर लिए हैं वो आपको नहीं देंगे, चाहे जोर जोर लगा लो। तो अभी जो है गणेशी के हिस्सा में जो रखा है वो 6 हाथ हिस्सा हमको रखा है, 6 हाथ दीप नारायण ने हमको सपोर्ट कर दिया। नमस्कार, इस वक्त हम बिहार के मधेपुरा जिला में हूँ और यहाँ जो है एक पंचायत है, टेंगड़ा परिहारी पंचायत है और वार्ड नंबर 12 है। यहाँ पे एक मामला है 2002 से जमीनी विवाद को लेकर मामला है। यहाँ दिखा दें हम, ये जो घर है, घर के साइड में देखिए रास्ता है, ये थोड़ा दिखाइएगा, ये रास्ता है, ये रास्ता जो है बहुत अंदर तक चल जाती है। और ये जो है टोटल प्लाट जो है, कहा जाए 12 कट्ठा का प्लाट है, जिसमें 3 भाई हैं और तीनों भाई का हम नाम बता दें पहले। उसका पिताजी का नाम है स्वर्गीय बिहारी यादव, अभी जो नहीं है। उसका बेटा का नाम है, पहला जो बड़ा बेटा है राधे यादव है, और दूसरा बेटा है स्वर्गीय गणेशी यादव, और तीसरा बेटा है दीप नारायण यादव। जो इस 12 कट्ठा प्लाट जो है इसमें 2002 से विवाद में घिरे हुए हैं। इस तीनों परिवार, तीनों परिवार में एक परिवार जो है सिलेंडर कर दिए हैं कि नहीं, आपका जमीन जो है, हिस्सा जो है वो आप ले सकते हैं, आपका जमीन जमीन है आप ले सकते हैं। लेकिन दूसरा बेटा जो है, मतलब कहा जाए जो इसमें जो है नाम दर्शाया है, जो जिससे विवाद छिड़ा हुआ है, स्वर्गीय गणेशी यादव, उसका जो है घर है, ये दिखा देते हम, ये घर है, ये दिखाइए थोड़ा, ये घर है, ये घर को लेकर विवाद में है ये, कि कहता है कि ये जमीन जो मेरा जो हिस्सा है वो हिस्सा नहीं दे रहे हैं। हम पूरा मामला क्या है, हम उन पीड़ित परिवार से जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, जो जिसके साथ जो है परेशानी है, जो 2002 से लेकर आज 2023 है, न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, कोर्ट से लेके, थाना से लेके, पंचायत में जो भी समाज है, पब्लिक है, सभी के साथ जो है न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक उसको 2002 से लेकर 2023 तक बीत गया है, अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्या पूरा मामला है हम जानते हैं, आइए थोड़ा दिखाइए। आपका क्या नाम हुआ? राधे यादव। राधे यादव जी, यहाँ पे क्या पूरा जो है जमीनी विवाद को लेकर 2002 से लेकर 2023 है भटक रहे हैं, क्या पूरा मामला है? 2002 से वैसे समाजी स्तर से चल रहा था, उसके बाद 2018 में 17 में हम पंचायत शुरू किए थे, समाज को बिठाए 4 बार, वो भी नहीं, कोई निराकरण लिया। समाज क्या बोले? समाज बोले जो क्या करेगा, सब आदमी मिलजुल करके अपना घर बना लो, रहो। उस पर ये बोल दिया जो यहाँ से जो है ना, जो कोई यहाँ फैसला नहीं होगा, इसको जाना पड़ेगा कोर्ट। तो समाज हमको बोल दिया जो जो अगर तुम्हारा में ताकत है तो जा सकता है आगे। मतलब आपको ये समाज कहते हैं, यहाँ के जो पब्लिक हैं, जो जब यहाँ पे पंचायती बैठाएं तो आपको कहता है कि ये मामला मान नहीं रहा, नहीं मान रहा। और आपको अगर क्षमता है तो आप कानून से लड़िए या जिससे लड़ना है लड़िए, यही कहना है, नहीं तो बैठ जाइए। तो हम यही गए थे, कोर्ट गए थे, कोर्ट में भी टाइटल किए थे बटवारा सूट, उसमें भी कोई न्याय नहीं हुआ था अभी तक। उसके बाद हम 44 किए थे, 44 को भी कोई सुनवाई नहीं लिया, थाना तक आया, थाना के बाद जो है सो आगे नहीं बढ़ा। तो हम क्या करें यहाँ पर? तो अभी जो है आप जो है 2002 से यहाँ पे जमीन के लिए आप लड़ रहे हैं, उसके बाद कोर्ट भी गए, कोर्ट भी गए, तो कोर्ट में क्या बोले, वहाँ पे क्या हुआ? कोर्ट में कोई न्याय अभी तक हुआ, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। कोर्ट कब गए थे? कोर्ट 2018 में गए थे। 2018 में गए थे, 2018 में गए, तो फिर उसके बाद आज 5 साल हो गया है। चलिए एक साल डेढ़ साल तो कोरोना का काल था, चलिए उसके वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी तक न्याय मिला? कोई न्याय नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला, कोई नहीं मिला। तो 3 भाई में है, तीनों भाई में किससे अभी जो है आपको आपकी जमीन को लेकर मामला बढ़ रहा है? मामला बढ़ रहा है गणेशी यादव से। गणेशी यादव जी, जो गणेशी यादव आपका भाई है, कौन सा भाई है? मांझिल भाई है, बिचला। और 3 भाई हैं आपने? 3 भाई है। 3 भाई में जो फिर छोटा भाई, छोटा भाई सपोर्ट कर दिया, सपोर्ट कर दिया कि नहीं अपना जमीन ले लीजिए, अपना हिस्सा ले लीजिए। हाँ।
उसके तरफ से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो पिछला भाई जो है आपका गणेशी यादव, उसके उससे दिक्कत है, उसको दिक्कत वो क्या कह रहा है? वो बोल रहा है जो हम जहाँ से कब्जा कर लिए हैं वो आपको नहीं देंगे, चाहे जोर जोर लगा लो। तो अभी जो है गणेशी के हिस्सा में जो रखा है वो 6 हाथ हिस्सा हमको रखा है, 6 हाथ दीप नारायण ने हमको सपोर्ट कर दिया। मतलब आपका जो हिस्सा था दीप नारायण यादव वो आपको सपोर्ट कर दिया, लेकिन गणेशी यादव, स्वर्गीय गणेशी यादव का जो पुत्र है या जो अभी है वो सपोर्ट नहीं कर रहा? नहीं, वो नहीं कर रहा। उसका क्या कहना है पूर्ण रूप से? उसको कहना है जो लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा जी, जमीन के लिए, जमीन के लिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? राधे यादव। राधे यादव जी। देखिए, इस वक्त हम राधे यादव जी से बात किए, ये जमीन को लेकर। एक बाप को 3 बेटा है, तीन बेटा में कहता है भाई भाई जो है सहोदर भाई होता है, अगर एक दूसरे को दिक्कत होता है तो दूसरा भाई तैयार रहता है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। यही जमीन को लेकर, जो जमीन को लेकर 2002 से 2023 तक बीच में विवाद चल रहा है, अभी तक न्याय नहीं मिला है, लेकिन इस जमीन को लेकर एक दूसरे भाई को देखने के लिए नहीं चाहता। और अभी बता दे, केस जो है चल रहा है, अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो ये परिवार का स्थिति देख सकते हैं, ये परिवार का घर है, ये स्थिति कैसे रह रहे हैं, इस परिवार को किस तरह से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। मधेपुरा जिला का जो प्रशासन है कैसे है वो तो आप, हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, यहाँ का आला अधिकारी क्या स्थिति है वो आपको बार बार हम इस चैनल के माध्यम से देखते होंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस जमीनी विवाद को लेकर 2002 से लेकर 2023 तक में अभी तक इसको न्याय नहीं मिला, आप क्या कहते हैं न्याय और प्रशासन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।